एसटीसीटी की काउंसलिंग में आगे प्रोसेस करना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपका रजिस्ट्रेशन चल रहा था, काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी, और अब ये आगे का जो एंटायर शेड्यूल है वो कंप्लीट शेड्यूल आ चुका है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं इस काउंसलिंग में, जो भी महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काउंसलिंग है। इसके अलावा जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन जिन्होंने बच्चों ने किया हुआ है वो लोग भी इसमें आगे काउंसलिंग में प्रोसेस करा सकते हैं। जब सबसे पहले स्टेप समझ लेते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं। पहले आपका एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन होता है, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है और डॉक्यूमेंट अपलोड किए वो वेरीफाई होने के बाद अब आपका एक मेरिट लिस्ट आने वाला है, जिसको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बोलेंगे। फिर आपका ग्रेवियंस सबमिट होगा। अगर अभी भी कोई भी डेटा आप चेंज करना चाहते हैं, कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं फॉर्म में, तो वो यहां पर आप देख पा रहे होंगे सबमिशन ऑफ ग्रेवियंस। तो ग्रेवियंसेस जो है वो आप सबमिट कर सकते हैं, डेटा में चेंज वगैरह कर सकते हैं, या एक यू बोले कि अपना एक फॉर्म एडिट कर सकते हैं। तो 15 से 17 जुलाई के बीच में आपको एक एडिटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। ये ऑप्शन आगे किसी भी राउंड में आपको अवेलेबल नहीं होगा। जो भी करेक्शन है काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड शुरू होने से पहले आपको कर लेना है। इसके बाद डेटा जो भी आप सबमिट करेंगे उसी डेटा के बेसिस पे आगे आपकी पूरी काउंसलिंग हो रही होगी, कोई भी आप आगे चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो कुछ भी है बहुत केयरफुल तरीके से आपको पहले कर लेना है, बाद के लिए वेट नहीं करना है, या कोई भी चीज़ बाई मिस्टेक भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है फिर आपको एडिट करने का। तो जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी, मेरिट लिस्ट के बाद अपना फॉर्म में अगर कोई करेक्शन है, कोई एप्लीकेशन आपका डॉक्यूमेंट वगैरह आपको अपलोड करना है, री अपलोड करना है, या कोई भी चेंज है, तो वो उसको आप लॉगिन करके अपना पोर्टल चेक करेंगे और उसको आप अपडेट कर देंगे, चेंज कर लेंगे। ये 15-17 जुलाई तक के लिए टाइम आपको दिया गया है। नेक्स्ट आपका एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, जो कि आएगी 19 जुलाई को। 19 जुलाई को ये फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, और जितने भी कैंडिडेट्स आगे की काउंसलिंग में एलिजिबल होंगे पार्टिसिपेट करने के लिए, उन सबका इस लिस्ट में नाम होना जरूरी है। तो आप एक बार इसको भी चेक कर लेंगे, 19 तारीख को फिर से आप अपना पोर्टल लॉगिन करेंगे, चेक करेंगे कि आपका मेरिट लिस्ट में प्रॉपर नाम वगैरह है, सारा कुछ है कि नहीं है, ठीक है। देन आगे जो प्रोसेस होगा, सीट मैट्रिक्स एक जो कि अभी अवेलेबल है, पुराना वाला सीट मैट्रिक्स अवेलेबल है। सीट मैट्रिक्स के बारे में बच्चे जानते हैं किस कॉलेज में कितनी टोटल सीट्स हैं, ये सारा कुछ दिया रहता है। तो यहाँ पर जैसे ये पुराना सीट मैट्रिक्स अवेलेबल है, अगर आपको ये चाहिए तो ये भी वेबसाइट पर अभी है, जहाँ पर टोटल कॉलेज कितने हैं, कितनी आपकी ब्रांचेज हैं, किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, ये सब कुछ दिया रहता है। सारा कुछ यहाँ पे आपको इस तरीके से हर एक कॉलेज का मिल जाएगा, जैसे आपका ये VJTI का है, इसी तरीके से और भी कॉलेजेस का आपको यहाँ पर सारा सीट मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो उसमें आप सीट्स वगैरह चेक कर सकते हैं, जिससे एक अपना एक प्रायोरिटी ऑर्डर आपको मिल जाता है कि कॉलेज ऑप्शंस हमें किस प्रायोरिटी में फिल करने हैं, है ना, किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, उसके बेसिस पे एक अपना एक प्रायोरिटी ऑर्डर बनाने में आपको थोड़ी हेल्प मिल जाती है। तो ये आपका होगा। देन आपका प्रोविजनल जो फॉर्म होगा वो आप सबमिट करेंगे 19 के बाद 20 से 22 तारीख के बीच में। दो दिन का टाइम मिलेगा, दो दिन के टाइम फ्रेम के अंदर अंदर आपको अपना जो भी चॉइसेस हैं, कॉलेज ऑप्शंस हैं, वो सब कुछ फिल कर देना है, सबमिट कर देना है। तो 20 की बजाय आप 21 या 22 को करें, क्योंकि 20 में काफ़ी सारे बच्चे जल्दबाजी में मिस्टेक करते हैं, गलतियां करते हैं, तो वो मिस्टेक्स आपसे ना हो, बिल्कुल भी कोई मिस्टेक नहीं करनी है। तो आप 20 को जब ओपन हो जाए, उसके बाद 21 से 22 के बीच में, 22 को एकदम लास्ट में भी नहीं जाना, लेकिन 21 से 22 के बीच में आपको अपना चॉइस फिलिंग का प्रोसेस कर लेना है। इसके बाद आपका CAP राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो आप, अगर आपको डिजायर्ड कॉलेज अलॉट हुआ है, जो कॉलेज आप चाह रहे थे वो कॉलेज आपको मिल गया है, तो आप उसको लॉक कर सकते हैं, एडमिशन वहाँ पे आप ले सकते हैं। अगर आपको कॉलेज नहीं मिल पाया है तो आगे बेटरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आगे इंप्रूवमेंट के लिए आप आगे के राउंड में प्रोसेस ले सकते हैं। तो इससे ये होगा, जो आपको अलॉटमेंट में पहले सीट मिली होगी वो सीट आपकी कहीं नहीं जाएगी, वो सीट आपके पास होल्ड रहेगी। आगे अगर कोई सीट मिलती है तो वो सीट जो अभी मिला हुआ है वो लेफ्ट हो जाएगा, फिर आगे वाली सीट में आप शिफ्ट हो जाओगे। तो आप अगर आप सेटिस्फाइड हो तो राउंड 1 में आप एडमिशन ले सकते हैं, अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो आप राउंड 2 में मूव कर सकते हैं, कैप राउंड 2 में आप जा सकते हैं। देन यहाँ पर बच्चों को अपना ऑफर लेटर एक्सेप्ट करना होता है, जिन बच्चों को सीट मिला हुआ है, आपको अगर बेटरमेंट अप्लाई करना है तो बेटरमेंट डाल दीजिए, अगर आपको एक्सेप्ट करना है ऑफर तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो उसका जो प्रोसेस होगा, रिपोर्टिंग है इंस्टीट्यूट में, जाकर के रिपोर्ट करना होगा 26 जुलाई से 28 जुलाई के बीच में, अपना कंप्लीट रिपोर्टिंग करके राउंड 1 आपका यहाँ पर क्लोज हो जा रहा होगा। अब यहाँ से आपका 28 जुलाई से राउंड 1 की कहानी खत्म हो जाएगी, सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा 29 जुलाई से। अब चूंकि ऑलरेडी आपका सारा वेरिफिकेशन पहले हो चुका है, काफ़ी सारी चीज़ें पहले हो चुकी हैं, तो आपका वेरिफिकेशन दोबारा नहीं होगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट आपसे कॉलेज लिए जाएंगे और आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा कि भाई अपना कॉलेज ऑप्शंस डालिए, जो भी कॉलेज ऑप्शंस हैं वो आप फिल कीजिए, वैकेंट सीट आया है, फिर उसके बाद कॉलेज डालिए, कॉलेज डालने के बाद अपना रिजल्ट ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन सबमिशन एंड कन्फर्मेशन ऑफ ऑप्शन, अब यहाँ पर अगेन एक बार फिर से ऑप्शन फिल करने का मौका मिलेगा। उससे पहले आपको एक वैकेंट सीट, कहाँ पर कितनी सीट्स वैकेंट हैं, वो डेटा आपको दिया जाएगा 29 तारीख को। तो 29 जुलाई को अपना ये डेटा चेक कर लें, किस कॉलेज में कितनी सीट्स भर गई हैं, कितनी सीट अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से अपनी च्वाइसेज में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। ये चेंज करने के बाद
आपको यहाँ पर राउंड टू का फिर रिजल्ट आ जाएगा 3 तारीख को, और आगे सेम आपका प्रोसेस फॉलो होगा। आगे 4 से 6 के बीच में आपको जाकर के फिर रिपोर्ट करना है, सेम प्रोसेस। अगर आपको सीट मिल एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट कर लीजिए, अगर बेटरमेंट में जाना है तो आगे सिमिलर प्रोसेस आपका होगा। तो ये पूरी डेट्स हैं जो आपकी रहने वाली हैं, इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्दर आपको स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप रख सकते हैं, ताकि कभी भी आपको जब डेट चेक करनी हो कि आज मेरा काउंसलिंग में क्या प्रोसेस हो रहा है, तो वो आपको कहीं भी चेक ना करना पड़े। आप जस्ट फोन पे अपना उसको ऑलरेडी स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस दिन क्या होने वाला है, जिससे आपकी कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी, कुछ भी आपसे छूटेगा नहीं। ये कंप्लीट प्रोसेस MHT CT में फॉलो होगा। फर्दर किसी भी सपोर्ट या हेल्प के लिए टीम को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।